जिले में नहीं है स्वास्थ्य अधिकारी। लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं, कैसे सुधरेगी स्वास्थ्य सेवा, बड़ा सवाल यहाँ पर। हम दिखा रहे हैं जहां पर अटल घाट में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, साथ ही साथ उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। गंगा सफाई देख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, स्टीमर पर बैठकर खुद हर चीज का जायजा लेते नजर आ रहे हैं यहां पर प्रधानमंत्री। स्टीमर से पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं निरीक्षण, गंगा घाट का निरीक्षण किया जा रहा है। स्टीमर पर बैठकर गंगा सफाई का पीएम जायजा ले रहे हैं। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके पर मौजूद है। कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी और दो बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर चीज का जायजा भी लिया था। आज प्रधानमंत्री अटल घाट से लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद हैं, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी, और साथ ही साथ बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौके पर मौजूद है। खुद स्टीमर से जायजा लेते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुशील मोदी मौजूद हैं। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, गंगा सफाई का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी इस समय मौजूद हैं। पीएम कर रहे हैं गंगा घाट का निरीक्षण, तस्वीरें लाइव आप देख सकते हैं। अटल घाट की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री स्टीमर पर बैठकर खुद हर चीज का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ सुशील मोदी, और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कानपुर पहुंच चुके हैं, खुद वो स्टीमर पर बैठकर हर चीज का जायजा लेते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे कानपुर पहुंचे थे और चक्केरी एयरपोर्ट के बाद वो सीएसए पहुंचे, जहां पर उन्होंने नेशनल काउंसिल गंगा की मीटिंग की और एक बड़ी समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों और उनके साथ मौजूद दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री और एक बिहार के उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो दूसरे अधिकारी थे, उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए और गंगा सफाई को लेकर के जो अभियान चल रहे थे उस पर भी विस्तार से चर्चा की। उसके बाद अब वो वहां से निकल करके अटल घाट पहुंच करके वहां से वो स्टीमर के जरिए इस समय सीसामोल नाला पर, जो की 128 साल पहले नाला बना था, उस नाले को लेकर के उसको बंद करने के, उसको टैपिंग करने के काफी प्रयास किए जा रहे थे और काफी जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसके प्रोजेक्ट के तहत उसको टैपिंग करने की जो सफलता मिली उसको देखने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सीसामोल नाले पर पहुंच चुके हैं और वहां पर जो एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है उस सेल्फी पॉइंट का भी अब वो निरीक्षण कर रहे हैं। इस निरीक्षण के बाद अब वो वहां से निकलेंगे और फिर वापस चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से जा करके फिर से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फिलहाल इस समय जो सीसामोल नाले पर वो पहुंचे हुए हैं, वहां पर जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया था वहां मौके पर पहुंचे हैं। वहां का निरीक्षण करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से स्टीमर पर सवार होकर के अब वापस दूसरे नालों का निरीक्षण करने के लिए निकल रहे हैं। जी सुनील जी, इसके बाद क्या कुछ उनके कार्यक्रम होंगे?
देखिए अभी तक जो तय कार्यक्रम था उनका दोपहर में 2:35 पर उनको वापस चकेरी एयरपोर्ट पहुंचना था सीएसएस से और चकेरी एयरपोर्ट से फिर उनको दिल्ली जाना था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरी समीक्षा बैठक की वहां पर मंत्रियों के साथ में काफी गहन मंत्रणा की और उसके बाद जो अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके साथ साथ जो गंगा काउंसिल थी उसको लेकर के जो तमाम जो पहली बार चूंकि यहाँ पर बैठक हुई थी उसको कानपुर को चुना गया था, तो इसके देखते हुए यहाँ पर जो बातचीत शुरुआत की गई तो कहीं ना कहीं गंगा जो थी वो प्रधानमंत्री के ध्यान में एक बड़ा कानपुर को ही शुरुआत किया गया। ये अपने आप में कानपुर में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया आज के समय में कि अगर प्रधानमंत्री ने जब कानपुर को इसके लिए इस काउंसिल फॉर गंगा के लिए अगर कानपुर को चुना उसकी बैठक के लिए कानपुर को चुना तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज जब प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के अलावा जो तमाम विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक की और बैठक का जो समय निर्धारित था उससे ज्यादा लगभग दूना समय वहां पर उन्होंने बैठक की, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री की जो मंशा है वो पूरी तरीके से गंगा को साफ सुथरा करना और उसको जिस तरीके से अभी तक कहा जाता था तमाम दावे किए जाते हैं सिर्फ दावे और दावे होते हैं, गंगा जो पानी जो वहां पे रुपया इसके लिए जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है और सब का सब गंगा का पानी बनाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री इस पूरे मिशन क्लीन गंगा का था वो उस पर एक अयोध्या फिर से चरितार्थ होता नजर आ रहा है, लग रहा है कि अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए उससे गंगा को सफाई जो गंगा की सफाई के लिए जो अभियान शुरू किया गया उसको अमली जामा पहनाया जाएगा और उसको लेकर के आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री कानपुर पहुंचे हैं और वो उन्होंने खुद जाकर के अभी तक कहा जा रहा था सब मोता वो अटल घाट पर नहीं जाएंगे और वापस सीएसएस से फिर वापस दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन जब वो वहां से समीक्षा बैठक करने के बाद अटल घाट पर पहुंचे हैं और अटल घाट पर पहुंचने के बाद उसमें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में स्टीमर पर सवार हुए और उसके बाद जाकर के उन्होंने जो रास्ते में गिरने वाले नाले थे उनका अवलोकन किया और उसके बाद जाकर के जो सीसामो नाला था जो 128 साल पुराना नाला था उसको जो उसकी जो टैपिंग व्यवस्था की गई थी उसका जाकर के निरीक्षण किया और वहां पर उन्होंने संतुष्टि भी जताई और अधिकारियों को से बातचीत भी की। इसके बाद वो फिर से स्टीमर में सवार होकर के वापस अटल घाट के लिए रवाना हुए हैं और जो अटल घाट पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि वो सीएसए पहुंचेंगे और सीएसए से जो हेलीकॉप्टर है हेलीकॉप्टर के जरिए वो वापस चकेरी एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से फिर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी सुनील जी, इन सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीएम नरेंद्र मोदी इस समय कानपुर में उन्होंने स्वच्छ गंगा का जायजा लिया है, पीएम कर रहे थे गंगा घाट का निरीक्षण और स्टीमर पर बैठकर उन्होंने हर चीज का जायजा लिया है, साथ ही साथ अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत करी है। स्टीमर से पीएम मोदी कर रहे हैं निरीक्षण, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं समय, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ साथ सुशील मोदी भी उनके साथ मौजूद हैं। अटल घाट से पीएम मोदी की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, स्टीमर पर बैठकर खुद हर चीज का उन्होंने बारीकी से जायजा लिया है, हर चीज के बारे में उन्होंने देखा है, अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत करी है, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस समय उनके साथ हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौके पर मौजूद हैं, पीएम गंगा घाट का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं स्टीमर पर बैठकर, वो हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं किस तरीके से काम किया गया है क्या कुछ है सब उन्होंने बारीकी से हर चीज का जायजा लेते वो नजर आए हैं। स्टीमर पर बैठकर उन्होंने हर चीज का जायजा लिया और अधिकारियों से बातचीत भी करी है। अटल घाट से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी गंगा घाट का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, काफी तैयारियां की गई थी, सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम नरेंद्र मोदी जायजा लेते नजर आ रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, हर चीज को बारीकी से उन्होंने देखा है। स्टीमर से पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ही निरीक्षण किया है, साथ ही साथ उनके साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुशील मोदी भी मौके पर मौजूद रहे।
चीज का बारीकी से जायजा लेते नजर आ रहे हैं। उनके साथ सुशील मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और अटल घाट से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने हर चीज का बारीकी से जायजा लिया है। इस समय उनके साथ सुशील मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। अधिकारियों से भी बातचीत करी उन्होंने, हर चीज का बारीकी से जायजा लिया। काफी तैयारियां की गई थी उनके आगमन को लेकर। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौके पर मौजूद रहे। पीएम कर रहे हैं गंगा घाट का निरीक्षण, लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस समय उनके साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने बैठक भी करी और अधिकारियों से हर चीज के बारे में जानकारी ली, बारीकी से हर चीज का निरीक्षण किया है, खुद स्टीमर पर बैठकर हर चीज की जानकारी ली। मौके पर इस समय भारी तादाद में लोग भी मौजूद थे जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए भारी तादाद में भीड़ भी यहाँ पर मौजूद थी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। स्टीमर पर खुद बैठकर उन्होंने हर चीज का बारीकी से जायजा लिया है। साथ ही साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके पर मौजूद हैं। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर चीज का जायजा लिया है। गंगा सफाई को लेकर जो कुछ भी तैयारियां की गई, स्वच्छ गंगा मिशन को लेकर प्रधानमंत्री कानपुर में मौजूद, हर चीज का जायजा लेते नजर आए। वो स्टीमर पर बैठकर गंगा सफाई का पीएम ने जायजा लिया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके पर मौजूद रहे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी इस समय उनके साथ ही हैं। स्टीमर पर बैठकर खुद उन्होंने हर चीज का बारीकी से जायजा लिया। भारी तादाद में लोगों की भीड़ भी देखी जा सकती है, लोग भी उपस्थित हैं यहाँ पर। गंगा घाट का निरीक्षण करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर उपस्थित रहे। स्टीमर से पीएम नरेंद्र मोदी ने हर चीज का निरीक्षण किया। स्टीमर पर बैठकर हर चीज का बारीकी से जायजा लेते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अटल घाट से पीएम मोदी की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भारी तादाद में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके पर मौजूद हैं। स्वच्छ गंगा मिशन को लेकर बारीकी से जायजा लेते नजर आए हैं पीएम।
गंगा सफाई को लेकर हर चीज का बारीकी से जायजा लिया है नरेंद्र मोदी ने। साथ ही साथ उनके साथ इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत और सुशील मोदी भी मौजूद हैं। सभी ने स्टीमर पर बैठकर हर चीज का बारीकी से जायजा लिया। कड़ी सुरक्षा के बीच जायजा लेते नजर आए हैं। काफी तैयारियां की गई थी उनके आगमन को लेकर। स्टीमर पर बैठकर गंगा सफाई का जायजा लेते नजर आए हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहे। अटल घाट से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर स्टीमर पर बैठकर प्रधानमंत्री ने हर चीज का बारीकी से जायजा लिया है। क्या कुछ तैयारियां थी स्वच्छ गंगा मिशन को लेकर, गंगा सफाई को लेकर यहाँ पर निरीक्षण किया गया। उनकी तरफ से अधिकारियों से बातचीत करी गई है। कई सारी तैयारियां की गई थी, चर्चाएं भी करी गई। सबसे पहले प्रधानमंत्री कानपुर 10:30 बजे पहुंच चुके थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर समीक्षा बैठक करी। बैठक में कई सारी चर्चाएं करी गई नमामि गंगे को लेकर। और उसके बाद उन्होंने खुद स्टीमर पर बैठकर हर चीज का जायजा लिया। सबसे पहले उन्होंने समीक्षा बैठक करी, जहां पर कई सारी चीजों को लेकर चर्चा की गई थी। नमामि गंगे को लेकर चर्चा करी गई। और उसके बाद स्टीमर पर बैठकर उन्होंने हर चीज का बारीकी से जायजा लिया। 10:30 बजे प्रधानमंत्री कानपुर पहुंच गए थे। भारी तादाद में लोग भी इस समय मौके पर मौजूद थे। आपको बता देते हैं 10:30 बजे नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंच गए थे। नेशनल गंगा काउंसिल की पहली बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी कानपुर शहर में नमामि गंगे की परियोजनाओं का हालचाल जाना, उसमें गिर रहे नालों का भी जायजा लिया उन्होंने।
रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।